नमस्ते, मैं हूँ निगम। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीट। ये मैंने आधा किलो मीट मंगाया है और इसको जो है मैं बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करी हूँ। तो ये 3 प्याज लिया है आधा किलो मीट के लिए, और ये थोड़े से मसाले लिए, मसाला ज़्यादा नहीं डालती हूँ, और ये थोड़ी सी हल्दी ली है, और ये लहसुन है, और ये थोड़ी सी अदरक है। ये सामग्री है मेरी। दोस्तों, मैंने मीट को ये से पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। ये देखिए, आधा गिलास पानी मैंने ऐड किया है। इसको मैं कुकर को बंद कर दूंगी और मैं इसको गैस पर चढ़ाऊंगी। दोस्तों, ये देखिए, मैं गैस ऑन कर रही हूँ, गैस ऑन कर दिया है। ये मैं कुकर को चढ़ा दूंगी, इसको थोड़ा स्लो आंच करूंगी, नहीं तो उबाल मारेगा। इसको थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, ये धीरे यहाँ से 2 सीटी लग जाएगा, तब इसको मैं नीचे उतार लूंगी। दोस्तों, तब तक मेरा मीट पक रहा है, तब तक मैं मसाले तैयार करती हूँ। ये मैंने प्याज काट के इसमें डाला करूँगी, फिर इसके मैं केवल प्याज का पेस्ट बनाऊंगी। ये लहसुन को जो मसाले के साथ बनाऊंगी, नहीं तो ये अगर मैं इसमें बनाऊंगी तो फिर तेल के साथ ये मजे मतलब लिपटने लगता है नीचे तली में। तो इसको मैं आगे इसको ग्राइंडेड करूंगी, फिर इसको मसाले के साथ ग्राइंडेड करूंगी। दोस्तों, मैं ग्राइंडेड करने जा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ा इसको खुरदुरा टाइप किया है, थोड़ा मोटा किया है, ज़्यादा महीन नहीं करना है, नहीं पेस्ट थोड़ा कम अच्छा बनता है। अब मैं जा रही हूँ इसने, ये देखिए दोस्तों, अब इसी में मसाला पीसूंगी ग्राइंडेड में। ये देखिए, अब इसी में मैं लहसुन भी अदरक सब डाल लूँगी, और इसी में हल्दी भी डाल लूँगी, और ये पूरा मसाला का पेस्ट मैं बनाऊँगी। दोस्तों, मैं थोड़ा से पानी डालूंगी मसाले में, थोड़ा सा डालना है। अब मैं इसको ग्राइंडेड करूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैं ग्राइंडेड कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरा मसाला तैयार हो चुका है, प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है। अभी मेरा मीट पका नहीं है, तब तक मैं वेट करती हूँ। दोस्तों, मेरा मीट हल्का से उबल चुका है, ज़्यादा नहीं पका मैंने। ये देखिए, हल्का सा उबला है, मैं इसको थाली में निकाल लूंगी। देखिए दोस्तों, पानी छोड़ दिया है काफी। ये देखिए दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा कुकर को धुल लूंगी, जा रहे हैं धुलने। दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा सा उबला है, ज़्यादा नहीं पका है। ये देखिए, अभी ये देखिए, थोड़ा से उबला है, नहीं तो गल जाएगा। ज़्यादा उबाल देंगे तो फिर टेस्टी नहीं बनेगा। ये मैं सब जब मसाला के साथ बनाऊंगी तब ये बढ़िया से इसको पकाऊंगी। दोस्तों, तब तक मैं गैस को ऑन करती हूँ, इसमें कुकर को चढ़ाती हूँ, तब तक ये गर्म हो जाए, तब इसमें मैं तेल डालूंगी, पानी इसका जल जाए। इसको मैंने धुला था ताकि इसमें फिर तेल डालने पर, प्याज डालने पर लगे ना तली में, इसीलिए मैंने धुल के चढ़ाया कुकर का, तब तक ये गर्म हो रहा है। दोस्तों, मेरा कुकर बढ़िया से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी क्योंकि आधा किलोमीटर तो मैं इतना तेल ली हूँ। अब इसको मैं डाल दूंगी, तब तक तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं थोड़ी सामग्री पास में इकट्ठा कर लूँ। दोस्तों, मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं प्याज का पेस्ट डालूंगी। ये देखिए, मैंने प्याज का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको चलाऊंगी जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। इसको बस इसी तरह चलाती रहूंगी थोड़ी, एक एक मिनट के, नीचे लगने ना पाए। दोस्तों, देखिए, मेरा ये प्याज जो है इसमें का एकदम ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी, और फिर इसको मैं धीरे धीरे आंच से पकाऊंगी। ये देखिए,
थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड करती हूँ। मसाला बढ़िया अच्छी तरह पक जाए, तेल ऊपर आ जाएगा तभी मसाला समझो परफेक्ट पका है। दोस्तों मैं थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, स्वाद के अनुसार जितना जो खाता है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। अब ये मसाला के साथ बढ़िया से पकेगा। दोस्तों मैं अपना मसाला देखती हूँ कैसे पका है। ये देखिए देखिए तेल छोड़ चुका है। अब इसको मैं थोड़ा से और भूनती हूँ। ये देखिए बढ़िया से तेल पक चुका है, तेल आ गया है मतलब ऊपर। ये देखिए दोस्तों मसाला मेरा पक चुका है। अब मैं इसमें ये उबला हुआ मीट इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। देखिए दोस्तों देखिए मेरा मीट बढ़िया से भून गया है। मैं इसको बार बार चलाई थी, ये देखिए बढ़िया से भुना गया। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी ज़रूरत तक। दोस्तों ये मेरा मीट का पानी बचा हुआ है, जो मैंने मीट उबाला था वही पानी मैं इसमें ऐड करूंगी। फिर इसको थोड़ा से मैं ऐसे करके चला दूंगी। अब इसमें मुझे बस सीटी लगानी बाकी है। दोस्तों देखिए बढ़िया मीट पका है। ये देखिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। ये देखिए बढ़िया से पका है, ज़्यादा जूस नहीं किया है मैंने। ये देखिए दोस्तों बढ़िया, ज़्यादा तेल भी नहीं है, ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं। देखिए दोस्तों मैंने मीट को सर्व कर दिया है। देखिए बढ़िया मीट पका है, खाने के लिए तैयार है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए। दोस्तों थैंक यू। दोस्तों